सब्सक्राइब टू फिल्म फेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मैं तुम्हें एक ऐसे परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना चाहता हूँ जिससे हिंदुस्तान का आने वाला कल बदल सकता है। आई वॉन्ट यू टू सर्व योर कंट्री। बहुत अच्छी लगी और मैं तो चाहता हूँ कि हर इंडियन को ये देखना चाहिए। एक्टिंग, कंटेंट और सब कुछ आउट ऑफ 4.5। एजेंट की लाइफ दिखाई है लेकिन आई डोंट थिंक इट विल क्लिक। एक्टिंग ठीक है, एक्टिंग कर लेता है, बट कुछ एंटरटेनिंग नहीं है ना। यू कांट गेट थ्रू, पब्लिक बोर हो रही है, बैठे बैठे सो रही है। मेरे पड़ोसी तो खड़ाटे मार रहा हूँ बेचारा। और देश के लिए कुछ अच्छा उन्होंने पिक्चर बनाई है, हमें कुछ नया जानने को मिला हिंदुस्तान को कि हमारे देश के कुछ आदमी उधर जाके कुछ अच्छा काम करते हैं। उनको बहुत बेहतरीन पिक्चर लगी और 5 स्टार देना चाहते हैं हम इसे। और देश के हर आदमी देखना चाहते हैं कि हमारे देश के वतन के लिए कुछ करते हैं कोई हमारे लिए। जनरली कंट्री के ऊपर है, डिटेक्टिव एजेंसीज के ऊपर है, जो हम लोग जनरली देखते नहीं है। तो इस मूवी में वो सब देखने को मिला और जॉन अब्राहम को ऐसे रोल में कभी देखा नहीं था। और ऑब्वियसली जो 3 पार्ट्स कैरेक्टर्स दिखाए जॉन अब्राहम के, वो बहुत ही अच्छा है। और जनरली पेट्रियटिज्म के ऊपर है, तो दोनों की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी। मौनी राय को दो इतना बड़ा रोल नहीं था, बट वॉट एवर शी हैड उन्होंने बहुत जस्टिस किया उसमें। और जॉन अब्राहम ने तो बहुत ही अच्छी तरह से पुल किया। 4.5 काफ़ी अच्छी लगी फिल्म, बहुत कन्विंसिंग है। जॉन अब्राहम की एक्टिंग बहुत अच्छी है इस बार। उनको हर बार में एक ही तरह के रोल में ज़्यादा देखता था, जैसे रेस 3 में देखा है, फोर्स में देखा है, इस काइंड ऑफ एन एग्रेसिव कैरेक्टर हर बार उनका आया है। लेकिन इस बार ही वॉज क्वाइट सटल एंड एक्शन मूवी में ज़्यादा नहीं था, एक्शन वॉज सटल, एवरीथिंग वॉज वेरी कन्विंसिंग। सिकंदर खेर का एक्ट भी अच्छा था एंड मूवी ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड डिपिक्शन ऑफ हाउ इंडिया इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मार्टियर्स हैव बीन देयर सर्विंग द कंट्री विदाउट एनी देयर ओन, उनके बिना किसी इच्छा के वो अपने हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। लाइक दे आर ऑलवेज बीन अननेम्ड, दे आर नॉट इन द लाइम लाइट बेसिकली। सो ये चीज़ एक अच्छी है जो हमारा भारत देश हमको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि या देर आर पीपल हु आर ऑलवेज वर्किंग फॉर इंडिया एंड इट्स अ गुड थिंग। मैं इसको 4 जॉन को जो काम के लिए भेजते हैं उसको फंसाया जाता है, फंसे नहीं। अरे होशियार है और शेर को सवा शेर मिलता है। बदलना चाहिए, लोगों की सोच बदलना और सोच बदलेगी तो ही इंडिया बदलेगा। क्या पॉलिटिक्स कितना इन्वॉल्व किया गया है इसमें? ज्यादा नहीं है। क्या लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने करने के, अपने फ्रेंड्स को? हां देखो एक बार सुन ले। ऑल ओवर कितने स्टार्स? 4 स्टार्स।